सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, शुक्रिया। मैं आज आप सबके साथ ये शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली के उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे सपने देखते हैं इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, या 5 ईयर कोर्स में लॉ में जाने के, या जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और सपने देखते हैं सिविल सर्विसेज के, IAS IPS बनने के, या जो बच्चे बैंकिंग में, रेलवेज में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने का सपना देखते हैं, तो आजकल पिछले कुछ वर्षों में इस तरह का सिस्टम बन गया, एग्ज़ाम इस तरह डिजाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं केवल वही बच्चे सफल हो पाते हैं, बाकी बच्चे कंपैरेटिवली सफल नहीं हो पाते। तो दिल्ली के सामने एक चैलेंज था, जिस तरह दिल्ली ने एजुकेशन में, हेल्थ में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में सुधार किए, सोशल सेक्टर में, वेलफेयर में सुधार किए, तो एक ये चैलेंज था कि जो बच्चे गरीब हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं, वो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और वो बच्चे अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों के सपने साकार करने के लिए मदद कर पाएँ, उनके कोचिंग का खर्चा उठा पाएँ। ऐसे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक स्कीम बनाई और उसको नाम दिया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इनिशियली ये स्कीम केवल SC ST के फंड से SC ST के बच्चों के लिए बनाई गई थी और 2018-19 में आपको याद होगा लगभग 5000 बच्चों को कोचिंग दी गई और उसमें सैकड़ों बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्लैट में सक्सेसफुली एंट्री कर पाए। तो तब फिर ये महसूस हुआ कि केवल SC ST के बच्चे नहीं बल्कि OBC भी और जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब बच्चे हैं, जो EWS में हैं, सरकार को उनके लिए भी आगे आना चाहिए। और उसके बाद हमने कैबिनेट नोट में सुधार करके इस योजना को और ज़्यादा बृहद बनाया और 5000 की बजाय 15000 बच्चों के लिए इस योजना को, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को बनाकर लागू किया। अब किसी भी वर्ग के बच्चे जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख तक है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक सोच और सपना था कि कोई भी गरीब से गरीब बच्चा अगर कुछ बनना चाहता है, उसको सरकार की मदद की ज़रूरत है, तो सरकार मदद करेगी और उनको उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करेगी। तो एक और समस्या थी कि सपोज़ करो हम उनको कोचिंग का पैसा भी दे दें और उनके घर से दूरी जो है वो इतनी है कि बच्चे को 3000 रुपया, वो 1500-2000 किराया उनका लगता है आने जाने का, तो वो पैसा नहीं होगा तो क्या वो बच्चे फिर कोचिंग ले पाएंगे। उसके लिए हमने इसमें 2500 रुपया स्टाइपेंड हर महीने रखा ताकि बच्चे की किराए की व्यवस्था उसमें से हो जाए और जो पैसा बच जाए उससे वो अपना कुछ किताब या कॉपी खरीद पाए। मुझे आपके साथ शेयर करते खुशी हो रही है कि पिछले साल तो कोविड की वजह से ये योजना पूरी तरीके से बंद रही, लेकिन अब जब चीज़ें खुली हैं, स्कूल खुले हैं, धीरे धीरे सब कुछ खुला है, तो हमने, सरकार ने ऑफलाइन कोचिंग को खोल दिया, उसकी व्यवस्था की और उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया अखबार में। 15000 बच्चे अब दिल्ली के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो बच्चे अब इन 46 इंस्टीट्यूट जो हमने एम्पैनल किए हैं, इन इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, क्लैट के लिए, जुडिशरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और इसके साथ साथ रेलवेज, बैंकिंग सहित तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि 15000 से के आसपास बच्चे एनरोल करा चुके हैं, बहुत जल्दी उनके क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो जो एक सपना था हमारा, जो कोविड की वजह से हमको बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अब हमें खुशी है कि वो सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और क्लासेस अब चालू होने वाली हैं। तो ऐसे बच्चे कामयाब होंगे, उनके सपने साकार होंगे और उनके लिए सरकार
शुभकामनाएं भी दे रही है, हम लोग शुभकामना देते हैं उन बच्चों को कि वो बच्चे मेहनत करें, अपने सपनों को साकार करें। एक चीज़ हमने और की, जब हमने एम्पैनलमेंट का काम शुरू किया तो 46 इंस्टीट्यूट उसके लिए योग्य पाए गए, लेकिन कुछ ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट थे जैसे सिविल सर्विस के लिए बाजीराम को सब पसंद करते हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल में फिटजी और आकाश को पसंद करते हैं, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, वो लोग आए नहीं। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था लेकिन वो लोग नहीं आए। लेकिन हमने एक व्यवस्था इसी कैबिनेट में एक और की कि इन 46 इंस्टीट्यूट से अलग अगर बाजीराव या फिटजी आकाश में भी अगर बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो भी हम उनका वो पैसा उनको पे करेंगे, डायरेक्ट भी अगर वो ले लेते हैं तो मैं आप सबके साथ बस यही शेयर करने के लिए आज आप सबको बुलाया था कि आपके माध्यम से, वैसे तो अखबार में ऐड देके बच्चों को हमने बता ही दिया कि हम शुरू कर चुके हैं आप लें, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को पता लगना चाहिए कि सरकार ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके परिवार की इनकम 8 लाख तक है, वो बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू।